गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फंक्शनल सिनेप्स या फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ए सिनेप्स। आपको पता ही है सिनेप्स क्या होता है, जब दो कोई न्यूरॉन आपस में जहां पर संपर्क करते हैं वो सिनेप्स कहलाता है। वो चाहे एक्सो डेंड्रिटिक हो या एक्सो एक्सो हो या फिर डेंड्रिटिक डेंड्रिटिक हो या डेंड्रिटिक एक्सोन हो, तो कई तरह के स्नेप्स नर्व फाइबर्स के बीच में या न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं। तो इसकी फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, क्योंकि आपको पता ही है कि सारे जो न्यूरॉन है हमारे शरीर के अंदर वो आपस में डायरेक्टली भौतिक रूप से मतलब फिजिकली आपस में संपर्क में नहीं रहते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है। वो जो गैप है वो कहलाता है सिनेप्स। तो सिनेप्स की वास्तव में फंक्शनल एनाटॉमी क्या है और किस तरह से उस गैप से जो एनआई है नर्व इंपल्स है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है या केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले क्लासों में मैंने आपको बताया था कि जो सिनेप्स है अर्थात एक न्यूरोन और नेक्स्ट न्यूरॉन या प्री न्यूरॉन और पोस्ट न्यूरॉन के बीच में अगर गैप 0.2 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक है, आप ध्यान रखिए इस चीज को कि सिनेप्स के अंदर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, या हम यूं कहें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप है जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, विदर जो है गैप है वो 0.2 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक अगर है, तो इस प्रकार के सिनेप्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होगा एनआई का वो होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अर्थात प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल की जो वेव है वो डायरेक्ट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचेगी और उसमें भी डीपोलराइजेशन की जो वेव है या उस पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगी वो वेव, अर्थात डायरेक्टली सीधा जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचेगा। अर्थात 0.2 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक के सिनेप्टिक क्लिफ्ट में अगर गैप है तो ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एनआई का। अब हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, अर्थात ऐसा सिनेप्स जिसके अंदर एक न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है, उसका अंतिम जो भाग है ये एक्सोन है, ये साइटोन सेल बॉडी। एक्सोन का अंतिम भाग क्या कहलाता है, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन है ये। उसके साथ नेक्स्ट जो है पोस्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट न्यूरॉन जिसकी ओर एनआई जाएगा उसका जो भाग है वो डेंड्राइट, ये सेल बॉडी है ये एक्सोन है, तो ये डेंड्राइट है सेल बॉडी या साइटोन से निकलने वाले आउट प्रोसेस या प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट। तो ये जो स्नेप्स है वो एक्सो डेंड्रिटिक, एक्सोन और डेंड्राइट के बीच जो बनने वाला स्नेप्स है उसका हम उदाहरण लेंगे और उसको समझेंगे किस तरह से ये इसकी फंक्शनल एनाटॉमी है कि किस तरह से ये काम करता है। अब इसको मैंने एनलार्ज करके दिखाया है डायग्राम में, आप देखिए कि ये जो पार्ट है यहां से यहां तक ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का भाग, अर्थात ये वाला भाग है एक्सोन का अंतिम भाग क्या है, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन। बटन के आकार की संरचना में एक्सोन समाप्त होता है इसलिए उसका नाम बटन या नोब गुंडी, और सिनेप्टिक इसलिए क्योंकि आगे चलकर ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके साथ सिनेप्स बनाएगा इसलिए सिनेप्टिक नोब। तो ये प्री सिनेप्टिक नोब है या प्री जो न्यूरॉन है उसका अंतिम भाग है ये वाला भाग। तो इसमें आप देखिए कि स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, मेडुलेटेड नर्व फाइबर है इसलिए ये माइलिन शीथ इसके चारों ओर, उसके बाद एक्सोन के बाहर की ओर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन ये है एक्सोलेमा और इस पार्ट को कहते हैं एक्सोन।
इसी एक्सोन के अंदर या एक्सोप्लाज्म के अंदर स्मूथ ईआर पाई जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियोन पाए जाते हैं सिनेप्टिक नोव के अंदर। इस तरह से सिनेप्टिक नोव के अंदर जो मेन ऑर्गनल्स या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं वो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियोन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें पाई जाती है जो कि ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी है वो है सिनेप्टिक वेसिकल्स। एक से अधिक सिनेप्टिक वेसिकल्स इस सिनेप्टिक लोब में पाए जाते हैं, और इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जैसे एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलीन। तो इन सिनेप्टिक नोव में पाए जाने वाले वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। इस तरह से इसका जो मेम्ब्रेन अंतिम जो भाग है इस नोव का, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें आप देखिए एक्सोन है, ये स्मूथ ईआर है, ये माइक्रो ट्यूबुल्स हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियम है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर ये कहलाती है सिनेप्टिक बटन और सिनेप्टिक नोव कहलाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है सिनेप्टिक बटन या नोव की, ये कहलाती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन या इफेक्टर्स है कोई भी कह सकते हैं, जिनके बीच स्नेप सुनेगा दो मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन कहें या इफेक्टर सेल कहें, तो इस मेम्ब्रेन को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच एक गैप पाया जाता है, एक स्थान, रिक्त स्थान पाया जाता है जो कहलाता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट, और सिनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर फ्लूड भरा रहता है, सिनेप्टिक फ्लूड जिसे हम कहते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भरा रहता है। ये कोई स्पेस खाली नहीं है, मतलब खाली नहीं होता ये कि वह बिल्कुल ये खाली है, ठीक है, बल्कि इसके अंदर ईसीएफ भरा रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भरा रहता है। ठीक है, ये इफेक्टर सेल है। तो इस तरह से जो फंक्शनल एनाटॉमी स्नेप्स की, उसके अंतर्गत दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अर्थात एक न्यूरॉन का एक्सोन का अंतिम भाग, और दूसरे न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन, उसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इस ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है पहले वाले न्यूरॉन की, इसको कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट है इसमें ईसीएफ पाया जाता है, ईसीएफ का आपको पता ही है, ईसीएफ के अंदर जितने भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। अब आप देखिए जो ट्रांसमिशन होगा डायरेक्ट, ये जुड़ी हुई नहीं है दोनों मेम्ब्रेन, अगर डायरेक्ट जुड़ी हुई होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एनआई का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डायरेक्ट हो जाता, जैसे बिजली के तार जुड़े रहते आपस में तो करंट अपने आप पास हो जाता है। अगर इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 0.2 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक है तो ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स का। अगर विड्थ सिनेप्टिक क्लिफ्ट की चौड़ाई 20 नैनोमीटर से अधिक है तो वहां पर ट्रांसमिशन होगा केमिकल, ठीक है, एनआई का ट्रांसमिशन होगा केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ए स्नेप्स। जैसे ही आपको पता है कि स्नेप्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है, पहला इलेक्ट्रिकल और दूसरा है केमिकल। इलेक्ट्रिकल के बारे में पहले आपको बता चुका हूं मैं कि मैकेनिज्म ऑफ एनआई कंडक्शन, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही एनआई गुजरता है न्यूरॉन की न्यूरोलेमा पर, तो क्या होता है सामान्य अवस्था में न्यूरोलेमा वो होती है पोलराइज्ड कंडीशन के अंदर, अर्थात विराम अवस्था में, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कंडीशन में होती है, अर्थात उस समय न्यूरोलेमा के बाहर
पॉजिटिव चार्ज आयन और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आयन स्थापित रहते हैं, और रेस्टिंग पोटेंशियल का जो मान है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान है वो लगभग -70 मिलीवोल्ट होता है। अर्थात जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होती है तो जो नेगेटिव चार्ज आयन है इनर लेयर में अंदर साइटोप्लाज्म की ओर पीएम के ऊपर, उनकी संख्या पॉजिटिव चार्ज आयनों की संख्या से अधिक होती है, और उसका कारण है कि जो सोडियम पंप है वो खुला रहता है, जिसके कारण सेल अपने अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर निकालती है और बाहर से ईसीएफ से 2 पोटेशियम आयन अपने अंदर लेती है। ये सोडियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं इसे, डोनान इक्विलिब्रियम भी इसको कहा जाता है। जैसे ही कोई एनआई आएगा न्यूरोलेमा पर तो सोडियम पंप बंद हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, जो प्लाज्मा न्यूरोलेमा है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। डीपोलराइज अर्थात विध्रुवित हो जाएगी, अर्थात न्यूरोलेमा के बाहर नेगेटिव चार्ज आयन स्थापित हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन स्थापित हो जाएगा। ये कहलाता है डीपोलराइज्ड कंडीशन। और इस समय जो एक्शन पोटेंशियल का जो मान है, एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल का जो मान है वो लगभग +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। अर्थात अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन अधिक होते हैं 30% या 30% अधिक होते हैं, ठीक, और बाहर नेगेटिव चार्ज आयन। जैसे वहां से एनआई गुजरता है तो जो न्यूरोलेमा है वह पुनः रीपोलराइज्ड, अर्थात अपनी पूर्व की स्थिति को, वो अवस्था को प्राप्त कर लेगी। जब एनआई गुजर रहा होता है तो सोडियम पंप बंद हो जाता है, जैसे ही एनआई गुजर गया तो सोडियम पंप पुनः चालू हो जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से एनआई की स्पीड जो है मेडुलेटेड नर्व फाइबर के अंदर अधिक होती है और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कम होती है। उसका कारण है नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर जो है वहीं पर आयनों का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयनों का एक्सचेंज होता है। इस तरह से एनआई जो है वो उछलता हुआ कूदता हुआ आगे चलता है। तो इस तरह से फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ए सिनेप्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि केमिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में पहले बताया मैंने कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट या हम यूं कहें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो चौड़ाई है उसकी जो गैप है वो 0.2 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक है। तो जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से सीधा ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगी, जिसके कारण जो एनआई है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आसानी से चला जाता है। या हम यूं कहें जैसे मान लीजिए इफेक्ट सेल है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो डायरेक्ट इफेक्टर सेल की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगी, जिससे एनआई जो है वो इस गैप को पार कर इफेक्टर सेल तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल ट्रांसमिशन अर्थात वे स्नेप्स जिनके बीच जो सिनेप्टिक क्लिप है उसके अंदर गैप जो है वो 20 नैनोमीटर से अधिक होता है, उनके अंदर जो एनआई का ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है। थैंक्स।